जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने कड़ी निंदा की है। हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बब्बर ठाकुर की अगुवाई में शहर में कैंडल मार्च किया। जिला कांग्रेस कार्यालय से लेकर चंपा पार्क तक कैंडल मार्च किया गया, जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद हुए जवानों की शहादत को नमन किया और दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बब्बर ठाकुर ने आतंकवादियों द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से सैनिकों के ऊपर किए गए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से मांग की है कि जिन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। द्वारा जो कायरतापूर्ण कार्रवाई हमारे सैनिकों के ऊपर करी है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी सैनिकों के परिवारों के साथ पूरी सहानुभूति प्रकट करती है और आज बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने शहीद हुए 44 सैनिकों की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करी है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन सभी शहीद परिवारों को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी से सरकार से ये मांग करती है कि ऐसे जो कायरतापूर्ण जिन्होंने कार्रवाई करी है इन सबके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जवाबी कार्रवाई करें ताकि भविष्य में दुश्मन को हिंदुस्तान की तरफ को देखने का मौका ना मिले। के चैनल के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।